हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। खाना बनाने के लिए जला रहे थे गैस सिलेंडर में हुआ विस्फोट, घर का सारा सामान जलकर हुआ राख। रात भर भभकती रही आग, तीन अग्निशमन की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू, चार भैंसे झुलसी। उपखंड के खिवांदी ग्राम पंचायत क्षेत्र में गैस सिलेंडर फटने से लगी आग। खिवांदी ग्राम पंचायत सरपंच प्रवीण कुमार मीना ने बताया कि खिवांदी निवासी हनुमाना राम पुत्र देवाराम घाजी के बेरे पर गैस सिलेंडर फटने से आग लग गई, जिसमें उनकी झोपड़ी, कपड़े, गहने, चारा, खाद सामग्री पूरी तरह से जल गई एवं चार भैंसे भी झुलसी। वहीं खेत के बाड़ भी आग की भेंट चढ़ गए, जिसको लेकर मौके पर लोगों द्वारा अग्निशमन को सूचना देने पर सुमेरपुर, तख्तगढ़, फालना से अग्निशमन की गाड़ियां पहुंचकर रात को 3 बजे तक आग पर काबू पाया गया। वहीं आग जनी की घटना को सूचना मिलने पर खिवांदी चौकी से परताराम जानी भी मौके पर पहुंचे थे। हल्का पटवारी रिडमल सिंह ने बताया कि मंगलवार रात को करीब 8 बजे खेत पर खाना बनाने के लिए गैस लगा ही रहे थे कि अचानक गैस में आग लग गई। इसी दरमियान सिलेंडर में भी विस्फोट होने के बाद मौके पर मौजूद पति पत्नी दोनों ही बीच बचाव कर झोपड़ी से बाहर भागे। देखते ही देखते सिलेंडर का विस्फोट इतना भयानक हुआ कि झोपड़ी सहित अन्य सामान के चिथड़े उड़ गए, जहां पर झोपड़ी में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। तत्पश्चात आसपास के खेत वालों ने पहुंचकर अग्निशमन को मौके पर बुलाया, जहां पर अग्निशमनों ने लगातार प्रयास करते हुए करीब रात 3 बजे तक आग पर काबू पाया। हालांकि थोड़ी थोड़ी आग सुबह तक भी लग रही थी। वहीं बताया जा रहा है कि खेत पर पति पत्नी दोनों ही निवास करते थे और खाना बनाने के लिए गैस को जलाने पर सिलेंडर का भी विस्फोट हुआ, जहां पर मौका रिपोर्ट के अनुसार करीब 3 से 3.5 लाख का नुकसान बताया गया है। जागरूक टीवी के सुमेरपुर से खास रिपोर्ट।